पंजाब पुलिस कहना है जो पुलिस को लोग जाते हैं इंसाफ दे दिलावे हमें पुलिस वाले ने, लेकिन पुलिस वाले ऐसे जब कांड हो जावे फिर भी फोन करते, फिर भी आते वाले पीछे आते, और पीड़ित है ना उसी को उल्टे इन पे केस कर दिए। फोन लेके उसने भागा, पीटा मोहल्ले वालों ने, उसने भागा अपने पे ललके गया, हाथ पैर टूटा, कक्की जगह पता नहीं क्या किया। हम क्या उल्टे हम लोग सबकी भी मांग लिए जो चलो फिर पुलिस में मत जाना, उल्टे जाके ये केस भी हम लोग पे कर दिए, पर्ची में नाम डाल दिए मेरे बहन तो भाई को, और घूस भी जो केस पैसे दो तो हम केस रहा। कौन मांग रहा है? टूट गए यहाँ के गए, मतलब पैसे 2 लाख पे ही जो फिर केंद्र 1.5 लाख फिर चा देना पता नहीं धमकी भी दे जा रहे। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ? ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਮਾ ਬੈਠੀ ਸੀ ਇੱਧਰ, ਮਮਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਫੋਨ ਮਤਲਬ ਲਾਇਆ ਤੇ ਚੋਰ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਆਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕਿਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? 1 ਵਜੇ 1 ਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 10:30 थोड़े जिने अगे सी, बट मम्मा चोर नु फड़ नहीं पाए, जंगला वाल भज गया। फिर ओ मतलब जब मम्मा जदो मतलब सारे पब्लिक वगैरा ते 2-4 मुंडे होर मम्मा नाल मतलब साथ दे रहे सी ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਦਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਚ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੀ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਰਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਰੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ? ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੋ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੋ ਆਏ ਮੁੰਡੇ ਫੋਨ ਛੀਨ ਕੇ ਹੱਥ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਬੈਠੇ ਥੇ ਹਮ ਲੋਗ ਦੇ, ਤੋ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਭਾਗੇ ਯਹਾਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਸੇ ਭਾਗੇ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੋ ਉਹ ਮਾਰਾ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਛੀਨਣਾ ਉਸਕੇ ਹੱਥ ਸੇ, ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਦਿਆ ਮਾਫੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਪੀਟਾ, ਫਿਰ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਤਾ ਫੋਨ ਕਹਾਂ ਹੈ, फिर बाद में उसको सारे ने कूटा, सारे मोहल्लों ने, तो फिर पूछा उससे तो उसने बताया, फिर बाद में बताया माफी मांग रहा है कि मुझे पुलिस में मत दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, तो बाद में उसको छोड़ दिया सब लोगों ने। फिर बाद में वो मुंडे लेके आ गया, घर में घुस गया, बच्चे को कूटा, लड़कियों को कूटा, और एक बड़ा मुंडा था उसको भी कूटा उसको, तो 108 पे कम्प्लेट कर, 112 पे कंप्लेंट की, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है, हम लोग सारे इनके साथ हैं, तो उनकी पुलिस वाले उनकी सुन रहे हैं, इधर की कोई सुन ही नहीं रहे हैं कुछ भी। हम लोग कल भी गए वहाँ पे चौकी पे बैठे रहे 2 घंटे, कोई कुछ भी सुनते नहीं। साढ़े 12 बजे पुलिस आई इतने, 10:30 बजे यानी कि कॉल की थी इन्होंने, आए 12 बजे तक आए पुलिस वाले। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਹੋਈ ਚਾਹ ਬੈਂਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਮਾ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾਲੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਲ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, 1 ਮਈ ਨੂੰ
इस जगह पर एक वाकया रात वापरिया कि जिद इन बच्चियों के कहने मुताबिक कि इन्हों मम्मा इतने दुकान पर बैठे सन तो चोर आए और मोबाइल खो के भज गए। जो उन्हें रौला पाया तो महल्ले वाले ने साथ दिता तो उन्होंने चोरों को फड़िया गया। उसकी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को भी हैगी है और साढ़े को भी हैगी है और पुलिस जी हूँ तक उसकी जाँच कर रही थी पर पता नहीं भी इन्ने दिन क्यों लग गए जाँच करद्या कि जी सही तरीके कार्रवाई नहीं हो सकी। जबकि स्पष्ट देख रहा कि चोर न फड़िया आ चोर ने तो मोबाइल उन्हें बरामद करवाया वा पर पुलिस ने कार्रवाई उल्टी जी इन्हें कर दिती आ कि तुम उस बंद फड़िया आ और कुटमार की तुम उसको पैसे खोए ने। जबकि पूरे महल्ले वाले जोड़े आ इस परिवार के नाल आ कि इधर नजायज हो रही है ये तो झूठा परचा दर्ज होया आ महल्ले वाले ने मेजर नवा बना के दिता लिख दिता कल कल ने साइन मोबाइल नंबर गवाहियां देने तैयार आ अच किन्ने दिन हो गए ने कि यह खजल खुआर हो रहे हैं उल्टा पुलिस इन्हों तू हरासमेंट कर रही है कि तुम जरा वा भी इन्होंने परचा कर दिता है। जो कल गवाहियां देने वास्ते गए थे उन्होंने उत्तर तकरीबन दो घंटे बिठाया गया पर किसी की गवाही नहीं लेगी उल्टा उन्होंने बार बार यही कही जा रहा कि तुम्हें कोर्ट जाना पेगा। जबकि लोग जाने तैयार ने अज किसी बेइंसाफी हो रही है जो महल्ले वाले साथ दे रहे हैं तो पुलिस उसका पक्ष लवे। असं पुलिस कमिश्नर अमृतसर को बेनती करते हैं कि इस मसले की बरीकी जांच होनी चाहिए है और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए है। जिन्हें बंद ने घिनौनी हरकत की है जिन्होंने लुटखोर की है इन्होंने घर आकर वारदात की है उन्होंने परचा दर्ज होना चाहिए है। जे पुलिस प्रशासन ने किसी तरह की कुताही वरती पीड़ित परिवार को इंसाफ ना मिलिया असी जथेबंदी वालों संघर्ष तेज करा और थाना सदर का घराव करा। जांच अधिकारी जो है महल्ले का दसा जा रहा है पीड़ित परिवार के कहने मुताबिक यही है कि जरा जांच अधिकारी है उन्होंने महल्ले का आ उसके बारे चलो सू पूरा क्लीयर नहीं है पर जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने महल्ले का आ पुलिस जी मैं तो पुलिस कमिश्नर यही बेनती करदा कि जे जांच अधिकारी किसी तरह की उन्होंने मिली भुगती है तो उन्होंने बदलिया जाना चाहिए है और सच्चा कोई जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है उन्होंने लाया जाए ता कि पीड़ित इंसाफ मिले। देखो गरीब बंदे की दौड़ होंगी है पुलिस प्रशासन तक तो जे पुलिस प्रशासन तो सानू इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है तो फिर गरीब जाए कितने। जो तक मैं देखा भी एक तकरीबन 20 दिन इस चीज़ को टाइम हो गया है हूँ तक पुलिस यो नहीं वेरीफाई कर सकी कि चोर असली है कौन है जबकि सीसीटीवी फुटेज सारा क्लीयर दिख रहा है तो फिर मैनू तो इदा लगता कि जिदा कितने ना कितने मिली भुगत नाम की औरत और बच्चों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ महल वाले लैके क्या कि साढ़े घर कोई इदा मोबाइल चोरी का केस होया तो उस तो बाद उस बंदे ने उल्टा साढ़े ते परचा दर्ज करवाता कुटमार का तो साढ़े ते माँ दे ते ते मेरी ते कहिंदे भी पिता दे ते भी परचा दर्ज हो गया की कारण की इहदा मामला पता ही नहीं। हाँ जी साढ़े ना दरखास्त आई सी साढ़े दोवां पार्टियां दी ते असीं दोवां पार्टियां दे डाक कट के दिता सी उस तों बाद उहदी एम एल आर रिपोर्ट आई दोवां पार्टियां दी उस हिसाब नाल जो बनदी कार्रवाई सी असीं करती सी। जिहड़ा सरबजीत सिंह उर्फ वालों ये लैके आया एम एल आर रिपोर्ट उत्ते बंदे जो मीना कुमारी ते राम सिंह ते एक उन्हां दा बेटा शायद 379-325-148-49 तहत असीं परचा दर्ज किया ते दूजी पार्टी की जो असीं बनदी कार्रवाई सी ओह कीती। सरबजीत सिंह उन्होंने की आरोप लगाए ने सरबजीत सिंह ने यह आरोप लाए भी साढ़े बेटे इन्होंने कुटिया मारिया बहुत आती लत तोड़ती आ लत तोड़ के बाद मरोड़े भी दिते लत्त नूं तो उस तो बाद उन्होंने असं डाक्ट कट के दिता सी जो एम एल आर रिपोर्ट आई उस तक असी कार्रवाई की है। और वो ये ने कि मोबाइल तो उन्होंने खोया महल्ले वाल ने उन्होंने फड़िया महल्ले वाल ने फड़ के को माफ़ी मंगा के मोबाइल लै लिया वापस छड़ दिता तो परचा उन्होंने उत्ते किस तरीके दर्ज हो गया जी। नहीं ये असी सानू इन्हें दस्या सी पर इन्हें अगेंस्ट इदा की कोई इन्हें दरखास्त नहीं दी सानू कि साडा इदा करके चोरी किया मोबाइल तो बाद च असी वो वेरीफाई किया सारा कुछ वो आधार से असी परचा दर्ज किया दूजी पार्टी सीसीटीवी वीडियो भी आई आई जिद दो नौजवान ने उन्होंने मतलब महल वाले भजे ने फड़िया नौजवानों उन्होंने इदा का। हाँ जी जे इन्होंने फड़िया भी है पर अपन कोई दरखास्त देंगे ना कि सानू पुलिस नोट करवाते दसते पुलिस में आके तो पुलिस ने दस्या का मतलब ये थोड़ी बंदा फट दे तुम कुटमार थोड़ी कर सकते एज पर लॉ इन्होंने उन्हें कुटमार करके लत तोड़ी है जी तो फिर जो भी बनती कार्रवाई सी असं अमल में लिया एक गया
ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋਬ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋ ਪੈਸੇ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੇ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ 2500 ਰੁਪਇਆ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀ 379 ਲਾਈ ਹੈ ਨਾਲ 325 148 ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋਬ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਜੋਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਗਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਐਮ ਆਰ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸੀ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ 11 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜੋਬ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲਿਖੇ ਸੀ ਆਈਓ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋਬ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੀ ਹੋਊ ਕਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ